बीते कुछ दिनों से इंदौर में गरबे के कार्यक्रम को लेकर गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है। मुस्लिम आयोजकों के कार्यक्रम करने, पंडाल में खास वर्ग के उपद्रवियों के घुसने सहित कई ऐसी घटनाएं लगातार बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं। इतना ही नहीं, कई संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता गरबे और कार्यक्रम में जाने वाले लोगों को तमाम तरीके की हिदायत भी दे रही हैं। हाल ही में इंदौर के बीजेपी जिला अध्यक्ष चिंटू वर्मा ने गरबा मंडल में आने वाले हर शख्स को प्रसाद के रूप में गौमूत्र और माथे पर तिलक लगाने की सलाह दी थी। ऐसे में लोकल 18 की टीम ने ग्राउंड जीरो पर कार्यक्रमों की पड़ताल की, जहां लोगों और आयोजकों द्वारा कई बातें सुनने को समझने के लिए गौमूत्र वाला दिया गया हमारे माननीय के द्वारा दिया गया है। हम लोग समग्र हिंदू समाज सनातन की बात करने वाले लोग हैं, तो जिस तरह से उन्होंने गौमूत्र के लिए बोला, जो हमारी गाय माता है, 33 करोड़ देवी देवता उसमें वास करते हैं, गौमूत्र से कई ऐसी बीमारियां भी जो हमारे शरीर को ग्रसित करती है वो भी दूर करती है। तो अगर गौमूत्र भी दिया जाए तो उसमें भी बुराई नहीं है और सनातन है, हिंदुत्व है, प्रकृति की बात करने वाले लोगों को गौमूत्र लेना भी चाहिए। जिस तरह से आपने मुझे जानकारी दी है कि वो भगवान कुआ में भी गरबा कराते थे, अच्छी बात है, मैं उनको इस बात की बधाई देता हूँ। लेकिन इस तरह से मैं उनसे हमारी बहनों की आराधना की है, वो गरबा कराते हैं, लेकिन उनसे एक बार प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी हमारे समग्र हिंदू समाज के पर्व होते हैं, फिर वो शिवरात्रि हो, दिवाली हो, दशहरा हो, हमारे हिंदुओं के जितने भी बड़े महापर्व होते हैं, सब में उनकी हिस्सेदारी होना चाहिए और सारे उत्सव में मुझे उत्साह के साथ वो मनाएं। इसी मेरी शुभकामनाएं नवरात्रि की। अगर वो रजिया बेगम ने इस तरह का उदाहरण दे रही है तो मैं भी सरासर विरोध करता हूँ कि इस तरह का ड्रेस, इस तरह की हमारी वेशभूषा होना चाहिए। तो देखिए जो नवदीप सिंह उत्सव है, उनका माँ भगवती ने जिस तरह से उसको महिषास और राक्षस का वध किया है, उसी वध को विजय शिखर दी गई। नवदीप सिंह उत्सव उत्साह के रूप में सभी सनातन हिंदू समाज के लोग माँ भगवती की आराधना के साथ इसको उत्सव मनाते हैं। और ये उत्सव जिस तरह से हमने बोला, उसमें पारंपरिक वेशभूषा होना चाहिए, पारिवारिक सनातनी सारी भावों को ध्यान में रखते हुए, सारे विचारों को ध्यान में रखता हुआ, पवित्रता का और शुद्धता को ध्यान में रखते हुए पूरी आराधना होना चाहिए। और इन्हें इंदौर के समस्त चूंकि एक गरबा आयोजक होने के नाते भी मैं करता हूँ और समग्र हिंदू समाज के नाते भी मैं आह्वान करता हूँ, पवित्रता ये पवित्रता का पर्व है, नव दिन की आराधना और शक्ति और भक्ति का उत्सव, हमारी शक्ति और भक्ति ये भाव कार्यक्रम के माध्यम से तो देखिए, आराधना के माध्यम से देखिए, जैसे हम हमारे घूमर परिवार में हमारे यहाँ की पवित्रता और शुद्धता का अगर मैं बात करता हूँ, तो नव दिन की यहाँ पर हमारे यहाँ सामूहिक ब्राह्मण द्वारा दुर्गा सप्तती का पाठ किया जाता है, बकायदे यहाँ पर पूजा अर्चन किया जाता है, हमारे प्रतिदिन के यजमान ऑलरेडी तय है। अगर हमारी बहनों को प्रसाद दिया जाता है तो हमारी वॉलेंटियर मातृशक्ति उनके साथ जाती है। आप इस पूरे परिसर में देख भी रहे होंगे कि जो हमारे यहाँ पारिवारिक और पारंपरिकता दिख रही है, आपका देखने को नहीं मिलेगी आप, ये हमारे घूमर परिवार की विशेषता है। उसकी एक विशेषता मैं बताऊँ, हमारे घूमर परिवार की मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा पंडाल है कि जो हमारे आने वाले सभी आगंतुकों के लिए, प्रत्येक व्यक्तियों के लिए माँ भगवती की आराधना कर रहे सब यहाँ पर आ रहे हैं। ऐसी घटना हो अगर किसी कारणवश मतलबता है, कोई घटना दुर्घटना होती है, तो हम लोगों ने उस विचार को भी संदेश दिया है कि हमारे आने वाला आगंतुक परिवार उस घटना से ग्रसित होता है, दुर्घटना से ग्रसित होता है, तो हमने पूरे परिसर का इंश्योरेंस भी करा रखा है और प्रत्येक आने वाले व्यक्तियों के लिए, अगर वो हमारे आग्रह पर आए हैं तो ये हमारे आग्रह पर आए हैं तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, तो हमने इस परिसर का इंश्योरेंस भी करा रखा है, एक संदेश दिया है लोगों। अवकाश मिश्रा, युवा मोर्चा अध्यक्ष, भाजपा इंदौर। चलिए बस, यहाँ पे आए हैं, जो भी प्रोग्राम हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है, यहाँ पे जो कैमरा सिस्टम भी दिया गया है, सभी का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है, उसी के परिणाम स्वरूप बहुत अच्छे से की गई है। थैंक यू। नव दुर्गा गरबा मंडल, माँ शारदा मंदिर, पलसीगढ़ चौराहा, मैं कमल वर्मा। जो बात रही इंदौर में एक अल्पसंख्यक युवक द्वारा गरबे कराने की, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों का समर्थन किया जाना चाहिए। अगर वो हिंदू धर्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं, सनातन धर्म को अगर वो स्वीकार करना चाह रहे हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं। परंतु हिंदू संगठनों ने उस गरबे का इसलिए विरोध किया क्योंकि उन्हें आशंका थी कि वहाँ पर लव जिहाद जैसी घटनाएँ हो सकती है। अगर एक व्यक्ति गरबा कराता है या कोई अल्पसंख्यक व्यक्ति गरबा कराता है तो हम उसका स्वागत करते हैं, परंतु इस प्रकार की अप्रिय घटनाएं वहां नहीं होना चाहिए।
और जहाँ तक बात है किसी व्यक्ति द्वारा माता जी की मूर्ति पर काले कपड़े डालकर विरोध करने की, तो किसी भी धर्म के लिए ये शोभा नहीं देता कि हम किसी भी धर्म का अपमान करें, चाहे वो कोई सा भी धर्म हो, हिंदू ईसाई या जैन। तो हमारी संस्था ऐसे विदर्भी लोगों का विरोध करती है। गोमूत्र भी सनातन धर्म में पवित्र माना गया है, उसके अलावा भी बहुत सारे रास्ते हैं, हम कलावा बांध सकते हैं, तिलक लगा सकते हैं, माता की आरती के लिए उन्हें आमंत्रित कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि यह अल्पसंख्यक है या देश विरोधी है, ऐसे लोगों का विरोध होना चाहिए। लोकल लेटिन के लिए इंदौर से राधिका कोडवानी की रिपोर्ट।